मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। तो इसमें भागवत जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके हिसाब का तेल। आप चेन्नई में रह रहे हैं, चेन्नई भारत के गर्म इलाकों में है, गर्म इलाकों में ठंडा तेल अच्छा, तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है। तो चेन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश, नारियल का तेल ही खाना। अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिल्कुल मत खाओ, मालिश भी मत करो। मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो। और जो आप और उधर चले गए हरियाणा पंजाब की तरफ, तो मैं ही आकर आपसे कहूंगा जी आप ये छोड़ो, आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल इस्तेमाल, एरिया के हिसाब से। तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की नियमित मालिश सिर की, कान की होती रहनी चाहिए। और तीसरी चीज आंखें, आंखें जो है ना कफ का ही केंद्र है, सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख। आंख कफ का केंद्र है और आंख के ज्यादा रोग, 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी, कफ को कंट्रोल करने, तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी। तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और भागवती जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूध और दारू हल्दी। दारू हल्दी देखा, दारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। तो दारू हल्दी, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसी 5-7 वस्तुओं से बनता है। पूरी विधि किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे। कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है। ये तीन चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक हैं। फिर आगे चलें, आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं, दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है वो है मक्खन। मक्खन लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हो। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही है, घी है, देशी गाय का दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीज है। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे, सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए, गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवत जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा। इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं, क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा, मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं। अब मैदे की चीज नहीं
क्यों? क्योंकि ये कफ को बिगाड़ने वाली चीज है मैदा। बाकी चीजें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ेंगी। तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें। अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगे तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें। अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें। मैदे की कचौरी ना दें, कचौरी मांगेंगे तो आटे की दें। मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में भागवत जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं। अब मालिश हो गई, भोजन हुआ, फिर नहाने के लिए कहा है तो मालिश पहले स्नान बाद में, हमेशा स्नान के बाद मालिश करने को मना किया है। स्नान बाद में मालिश पहले, तो अच्छे से मालिश करिए। आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें, तो इसके लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है, बच्चों की मालिश करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 घंटे करें कि 20 घंटे 40 मिनट, या समय उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा। तो उन्होंने इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें, बगल में पसीना आते ही। और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए, तो हो सकता है उनके माथे पे पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। ठीक है, तो मालिश, मालिश के बाद स्नान। स्नान के लिए भागवत जी कहते हैं कि जो भी चीजें कफ को कम करती हैं वही चीजें स्नान में उपयोग करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आधुनिक बात, भागवत जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने यह कहा कि कफ को कम करें वही चीजें स्नान में उपयोग करें। तो कफ को कम करने वाली सबसे बेहतरीन चीज आपके घर में है चने का आटा। दूसरी बेहतरीन चीज है ये जो हमारे देश में संभव है, पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, चंदन की लकड़ी का पाउडर। भागवत जी ने कहा है कि ये बहुत कफ को कंट्रोल रखता है। तो चंदन की लकड़ी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा और मोटा आटा, कोई भी, गेहूं का हो, चने का हो, दाल का हो, मोटा आटा। फिर कहते हैं मसूर की दाल का आटा, फिर वो कहते हैं मूंग की दाल का आटा। ये सब कफ को कम करने वाली चीज है। तो कहते हैं बच्चों का स्नान इन्हीं से कराएं ताकि कफ कम रहे। मतलब सी बात है, साबुन ना लगाएं, क्योंकि ये जो साबुन है ना ये केमिकल है। केमिकल माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा तो कफ को भड़काने वाली चीज है, इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाएं। उनको चने के आटे से नहलाएं, मुल्तानी मिट्टी से नहलाएं, चंदन पाउडर से नहलाएं, क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब चीजें हैं, इन चीजों से ही स्नान कराएं। उबटन बना के रखें घर में, उबटन से स्नान कराएं। बच्चों को साबुन गलती से भी नहीं, और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आंख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आंख का, क्योंकि आंख कफ के प्रभाव में है और साबुन बहुत तीखा होता है, वो पित्त और वात के प्रभाव की चीजें हैं। तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ, साबुन और आंखों का जल, तो तकलीफ करेगा। वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबुन आंख में लगे तो। आजकल टीवी में एक विज्ञापन आने लगा है, बिना आंसू निकालने वाला साबुन दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं आपको। कोई भी साबुन आंसू ना निकाले ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि साबुन है ही पित्त और वात का और आंखें हैं कफ की। लगेगा तो आंखों से आंसू निकलेंगे ही। हाँ, एक ही समय में हो सकता है कि साबुन में कास्टिक सोडा सबसे कम हो, ग्लिसरीन और तेल सबसे ज्यादा हो। तो ग्लिसरीन और तेल अगर सबसे ज्यादा है तो उबटन में ही तेल मिला के नहला देना, साबुन क्यों खरीद के ला रहे हैं। 35 रुपए का आता है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप, 350 रुपए किलो। 35 रुपए का 100 ग्राम 350 रुपए किलो काजू से महंगा है। काजू 200 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। बादाम से महंगा है, बादाम 300 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। और नहा के जाएगा कहां, पानी में ही जाएगा ना। 350 रुपए किलो की चीज पानी में बाहर है, उससे अच्छा है काजू खिला दें उनको, बादाम खिला दें। तो नहाने के लिए उबटन, जो बहुत सस्ता पड़ता है, और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है, कफ को शमित रखता है, कफ को शांत रखता है, इसलिए उबटन का स्नान बच्चों को जरूरी। आगे बढ़ें, बच्चों का स्नान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया, ऐसी चीजें उनको नियमित खिलानी है जो कफ को कम करती है। मैंने 3-4 चीजों के नाम लिए, दूध है,
दही है, मट्ठा है, हर मोटा अनाज, हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है, ये सब कफ को शांत रखने वाली चीजें हैं। गाय का घी है ना, मक्खन और घी, मक्खन ज्यादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के, क्योंकि मक्खन कफ को शांत रखने में मदद करता। तो मक्खन ज्यादा से ज्यादा उनके भोजन में रहे, और बाकी सब चीजें दाल चावल जो भी आप खाते हैं अच्छा। फिर उसके बाद शाम के समय है, 3-4 बजे के आसपास क्या होता है, उनका पित्त थोड़ा बढ़ेगा, 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ता है, 12 बजे तक कफ के असर में है, 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ेगा, तो उस समय ऐसी चीजें खिलाएं जो घी की बनी हुई है, घी की बनी हुई चीज। और रात को ये बच्चे थोड़ा वात के असर में आते हैं, कफ तो सबसे ज्यादा है लेकिन रात को वात के, तो वात को कम करने वाली चीजें रात को उनको दें, और वो मैं पहले दिन भी काफी बता चुका हूं। तो ये हो गया बच्चों की दिनचर्या।